चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के नेतृत्व में अन्य पुलिसकर्मियों और होमगार्ड जवानों की मौजूदगी में उन गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों को मिठाइयां वितरित की गई जो खुले आसमान के नीचे रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नगर के ऐसे कई इलाके दशहरा मैदान, साकरिया पुलिया और कॉलेज ग्राउंड के पीछे रहने वाले गरीब एवं असहाय परिवारों के बीच जाकर उनके साथ दिवाली की खुशियां बांटते हुए उन्हें मिठाइयों के पैकेट भेंट किए गए और दिवाली की शुभकामनाएं दी गई। पुलिस का यह रूप देख यहां सभी लोग चौंक गए, लेकिन पुलिसकर्मियों के इस कदम की हर किसी ने प्रशंसा की। अक्सर लोगों के मन में पुलिस की कठोर छवि बनी रहती है, लेकिन यह भी सच है कि कई बार पुलिसकर्मी अपने कार्यों की बदौलत लोगों के दिलो दिमाग में अपनी बेहतर छाप छोड़ने में भी कामयाब होते हैं। पुलिसकर्मियों द्वारा दी गई मिठाई पाकर इन सभी लोगों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे और उन्हें पुलिसकर्मियों का इसके लिए आभार व्यक्त किया। हालांकि इससे पहले भी कई बार पुलिस सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य कर लोगों में अच्छी छवि बनाने में कामयाब रहती है। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक के साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्जुन सिंह शेखावत, पुलिस उप अधीक्षक वृत्त निम्भाड़ आशीष कुमार, कोतवाली थाना अधिकारी फूलचंद टेलर, सहायक उप निरीक्षक सूरज कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। पुलिसकर्मियों के साथ ही डॉक्टर कलाम समिति के पदाधिकारी और पत्रकार शकील अहमद, तालिब अहमद, मनोहर माली व समिति अध्यक्ष अशरफ मेव आदि उपस्थित थे।